वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। जिनका हो गया उनको मेरी तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है होप करती हूँ कि अभी तक थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गए होंगे आप, क्योंकि एक दो दिन हो चुके हैं जब हम एकदम से रिजल्ट देखते हैं बहुत बुरा लगता है। बट ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता जाता है, घाव हमारा थोड़ा सा भरता जाता है और हम रैशनली चीज़ों को देख पाते हैं कि असलियत में क्या हुआ है और अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम आज मेरे मार्क्स जानेंगे कि एग्जैक्ट नंबर कितने आए थे, जिन लोगों को नहीं पता। और दूसरी बात कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे कि हमने क्या गलतियाँ की जिसको हम फ्यूचर में ना करें। बिकॉज़ अपनी गलतियों से सीख लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हम उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराएंगे और हमारा एक और साल वेस्ट होगा। तो ये मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि ये मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस आइडिया को अपना सकते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो वो आपके ऊपर है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि आप ये करके देखिए, बिकॉज़ हो सकता है कि मैं खुद उस चीज़ को पहली बार कर रही हूँ। तो इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग। पहली बात, मेरे मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। 58.27 आई स्कोर्ड। अगर मेंस की बात करें, मेंस में मैंने 32 स्कोर किया 60 में से, जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 37 मार्क्स मिनिमम, बट आई मेरे 32, और वो मेरे लिए बहुत मतलब मेन रिजल्ट से ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए मेंस का रिजल्ट था। बट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बताती कि मेरे 32 आए हैं और मेरा कोई स्कोप नहीं है पास होने का, तो बाकी बच्चे जिनके 32 आए हैं, 33 आए हैं, 31, 30 आए हैं, वो बहुत बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। हालांकि वो अभी भी डिमोरलाइज हुए हैं, लेकिन किसी की बातें सुनना, सुनी सुनाई बात सुन के डिमोरलाइज होना वो ज़्यादा बुरा होता है। तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया अपना एग्जाम, शेयर नहीं किए अपने मार्क्स। इसके अलावा इंटरव्यू में मुझे 16.6 मिले आउट ऑफ 20, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। मैंने इस बार आपको बताया था जैसे मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कि मुझे पैनल मेंबर्स थोड़े से अलग लगे थे। हालांकि मैं यही सोच रही थी कि वो अलग तो थे, उनका वे ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू अलग था, बट मुझे उनका वे ऑफ मार्किंग नहीं पता था कि कैसा होगा। वे ऑफ मार्किंग उनका अच्छा था, जस्ट उनका वे इंटरव्यू लेने का अलग था, जो पहले पैनल मेंबर्स होते थे उनसे अलग था। तो ओवरऑल जब मैंने इंटरव्यू देखा, जब इंटरव्यू के मार्क्स देखे, मेरी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि उनका इंटरव्यू लेने का तरीका बड़ा अलग था। मुझे नहीं पता था उनकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी, सही तरीके से जज कर पाए हैं मुझे या नहीं। लेकिन नहीं, मैंने उन्हें गलत डाउट किया था। एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज एक्सपर्ट्स, उन्होंने सही तरीके से जज किया क्योंकि अच्छे नंबर दिए ऑब्वियसली। तो 16.6 मेरे इंटरव्यू में आए, फाइनल मेरे 58.27 बने। अब कुछ बच्चों को ये चीज़ बड़ी ज़्यादा लग रही है कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया कि SC में होती तो हो जाता क्लियर। देखो, इतना मैंने सोचा नहीं जितना शायद आप लोगों ने सोच लिया। मैंने देखा 58.27 आया मेरे, मैंने देखा SC की कट ऑफ 58.27 है। बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा कि यार एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, तो मैंने बोल दिया SC में होती तो हो गया होता क्लियर। बिकॉज मेरे पॉइंट टू पॉइंट उतने मार्क्स आए हैं यार। अगर मेरे 15.28 आए होते तो शायद मैं ये चीज़ ना बोलती, क्योंकि मैं उस कट ऑफ से रिलेट ना कर पाई होती। तो बस ऐसा ही हुआ। इसके अलावा मेरे बोलने का कोई ज़्यादा खास मीनिंग नहीं था, या जैसे बोलते हैं ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैंने बोल दिया। बट ठीक है, अगर जिनको बुरा लगा है बहुत मतलब कि मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर किसी को बुरा लगा है, तो ऐसे हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर मैंने जनरल के लिए किया था, बट क्या कर सकते हैं, अगर नंबर कम आ गए तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ही आता है कि अब कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि वॉट नेक्स्ट। तो अभी के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत लोग बोल रहे हैं और मैं खुद भी सोच रही हूँ कि नाबार्ड की प्रिपरेशन शुरू करूँ, बट नाबार्ड की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक दो तीन दिन, 4 दिन, हफ्ता लग सकता है कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। बिकॉज नाबार्ड की ना वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ मैं तो नाबार्ड की प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ और मैं नाबार्ड का कर दूंगी। क्योंकि क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर से ये बिलीफ आना चाहिए कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, तभी आप कर पाओगे। अगर आपको अंदर से लग ही नहीं रहा यार कि 50 वैकेंसी आती हैं, यार 60 वैकेंसी आती हैं जनरलिस्ट की या स्पेशलिस्ट की ले लो, उसमें मेरा कहाँ से ही हो जाएगा यार ऑल इंडिया में, तो
तो ना जब तक आपको ये फीलिंग आती रहेगी ना, तब तक आप कितनी भी तैयारी कर लो वो आपका नहीं होगा। तो एक थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम, डर एक अलग चीज़ होती है पर बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। वो बिलीफ अभी मैं बना रही हूँ दोबारा से, वो बिलीफ जब बन जाएगा मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा AFO तो है ही है, वो तो पता ही है कि वो करना है अटेम्प्ट, तो उसकी तैयारी करेंगे फोकस। अगर नाबार्ड का कॉन्फिडेंस नहीं आता तो AFO की शुरू कर देंगे 10-15 दिन में। बट हाँ, नाबार्ड के लिए अपने आप को मना रही हूँ मैं, जब मान जाऊंगी आपको बताऊंगी, साथ में नाबार्ड की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अपनी पुरानी गलतियों से अगर मैं बताऊं कि मैंने क्या सीखा, आप लोग खुद पे भी ये एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट एक शांत जगह पे बैठ जाइए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, खुद जैसे इंट्यूशन आते हैं ना, खुद से जो आपकी आवाज़ आ रही है कि क्या कमी रह गई, तो आपका मन पहले तो बोलेगा यार मैंने तो बहुत तैयारी की थी यार, ऐसी तो कोई कमी नहीं रही थी, है ना। उसको बोलने दो, कुछ वक्त बाद आप दोबारा से अपने से सवाल पूछो कि क्या कमी रह गई। आप 3-4 बार ये सवाल पूछोगे ना, तो आपका मन ना सच में ढूंढने की कोशिश करेगा अभी क्या कमी रह गई थी, और वो आपको पता चलेंगी। जब मैंने ये एक्सरसाइज की ना, तो मुझे पता चला कि मुझ में क्या कमी थी। हार्डवर्क की कमी नहीं थी, कंसिस्टेंसी की कमी। मुझे ऐसा लगा कि कंसिस्टेंट मैं ज़्यादा हो सकती थी। दूसरी कमी वो जो मुझे सिर्फ इस बार लगी, पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स में नहीं लगी। पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स में शायद मेरी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थी, इस बार इस अटेम्प्ट में मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं और ज़्यादा पहले से तैयारी कर सकती थी। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद 3 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी, क्योंकि पता नहीं क्यों सीरियसनेस आ ही नहीं पाती जब नोटिफिकेशन नहीं आती है तो, या फिर बहुत टाइम। अभी हमारे में सीरियसनेस इसलिए है क्योंकि जस्ट रिजल्ट आउट हुआ है, हमारा खून गर्म है कि हाँ भाई कुछ तो क्रैक करना है, कुछ तो मतलब कि अब तो एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। जब 15-20 दिन हो जाते हैं ना, अप्रैल चला जाएगा, मई चला जाएगा, तो ना बंदा थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। फिर होता है कि ठीक है करेंगे तैयारी, अभी तो टाइम है, जुलाई से शुरू करेंगे, अगस्त से शुरू करेंगे, ऐसा ही टाइम बीत जाता है। सीरियसनेस तभी आती है जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है या नोटिफिकेशन आ जाती है, और उस टाइम हमारे से वक्त हमारे हाथों से चला गया होता है। तो इस बार मैंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट शुरू की थी, तो कमिंग टाइम पे मैं जल्दी शुरू करूँगी। एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले तो मैं प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी। हालांकि ये एग्ज़ाम 6 मंथ नहीं मांगता, 3-4 महीने में हो जाता है, पर जब हमारा नहीं हो रहा तो हमें 6 महीने से शुरू करना पड़ेगा, इवन 7 महीने से भी शुरू करना पड़ेगा। अगर अभी से देखें तो इस बार नवंबर में ही होने वाला है, ठीक है। तो नवंबर के लिए लगभग 7 महीने ही बचे हैं। जिनको भी AFO के लिए प्रिपेयर करना है, अपनी कमर कस लो अभी से, पहले अपने मन को मना लो कि हाँ भाई क्या क्या होने वाला है, क्या मैं कर लूँगा क्रैक या नहीं कर पाऊँगा। एक बार जब आपका मन मान गया ना, इसका मतलब कि आपका इंजन में फ्यूल जा चुका है। उसके बाद से अपनी तैयारी को गियर कर सकते हो, पूरी तरह से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। मुझे मेरी तैयारी में ये दो कमी लगी, एक इनकंसिस्टेंसी लगी, और दूसरा कि मैंने लेट शुरू किया था। इन चीज़ों पे मैं काम करूँगी, रोज़ कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखूँगी अपना, जो मैं पढ़ूँ ही पढ़ूँ, यानी कि 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम रखूँगी, कि चाहे कुछ भी हो जाए दिन में, मैं कितनी भी थकी हूँ, दिन मेरा कितना भी अनएक्सपेक्टेड चला जाए, मैंने 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरह की चीज़ें करके शायद से पहले की जो गलतियाँ हैं उनको थोड़ा सा सुधार पाऊँगी। इसके अलावा अभी के लिए जस्ट फॉर अ मंथ और टू मैं ये सोच रही हूँ कि सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ना शुरू करूँ, जिससे जिससे हमारे में पॉजिटिविटी ज़्यादा आ सके। ये दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द एग्ज़ाम बेसिकली, बट दिस हैज़ टू डू विद द इन्वायरमेंट वी फेस। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, डीमोटिवेट भी करता है। क्योंकि हाँ, आपको एक चीज़ बताने वाली थी मैं, मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी फ्रेंड भी है, वो प्रिपेयर कर रही है, मैं उससे पूछूंगी कि उसका हुआ है या नहीं है। तो शी हैज़ स्कोर्ड 2 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ मार्क्स, एंड शी हैज़ क्लियर द एग्ज़ाम दिस ईयर। और बहुत अच्छा लगा, मेरी उससे शायद लगभग 1 घंटा तक बात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा, उसकी बातें सुनी, कुछ अपनी बताई। तो उसने यही बोला कि मैंने ना बहुत ताने सुने हैं इन्वायरमेंट से, कि
जब मैं तैयारी करती थी तो सब लोग बोलते थे ये तो इतने टाइम से तैयारी कर रही है, इसकी तो एज भी चले जाएगी, या फिर ये तो घर पे बैठी हुई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने बोली जिसकी वजह से वो कहती थी कि वो डिप्रेस हो जाती थी या डीमोटिवेट हो जाती थी या तैयारी करने का मन नहीं करता था। बट ये सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या कुछ भी पॉजिटिव चीज़ अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो पॉजिटिव चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ये चीज़ों को टैकल करने में, डीमोटिवेशन को दूर भगाने में, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने में और अपनी मोटिवेशन को बनाए रखने में। अगर आप बोलेंगे जस्ट आई जस्ट केम विद दैट आइडिया राइट नाउ, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे इंटरव्यू भी करवा सकती हूँ कि उसका क्या कह सकते हैं कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे उसने क्लियर किया कैसे नहीं किया। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं श्योरली वो चीज़ आपके लिए शेयर करूंगी। तो बहुत पॉजिटिवली तैयारी शुरू करेंगे। एक और चीज़ बताने वाली थी, जो प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी वीडियो है बहुत जल्द आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो प्रिलिम्स की स्ट्रैटेजी वीडियो ही होने वाली है, बिकॉज मुझे पता है कि इस टाइम पे बहुत बच्चों का अभी खून गर्म है, चाहते हैं कि प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दें इससे पहले कि फिर से सुस्ती छा जाए। तो प्रिलिम्स की वीडियो निकालूंगी जिसकी वजह से आप लोग इजिली प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। अभी के लिए बुक्स वगैरह मंगवा लीजिए, बुक्स के लेटेस्ट एडिशंस मंगवा सकते हैं जो फ्रेशर्स हैं, और अपना स्टडी मटेरियल काइंडा कह सकते हैं मेंस का स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी होती है, और दूसरी बात प्रीलिम्स की स्टडी अभी अभी से शुरू नहीं करनी है। अगर आप बोलेंगे मैं पूरी स्ट्रैटेजी पूरा प्लान लेके भी आऊँगी, वैसे बहुत बच्चे बोलेंगे खुद का क्लियर हुआ नहीं तो प्लान कैसे लेके आ रही है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपना प्लान शेयर कर सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फॉलो कर लेना, नहीं लगेगा तो अपना प्लान फॉलो करना, ठीक है। तो ये कोई आप पे वो नहीं है कि हाँ आप करो ये करो फॉलो, बिकॉज अभी मैं फेलियर हूँ तो जब मैं सक्सीड हो जाऊँगी तब लोग मेरी वीडियोज़ देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अभी। तो चलिए यही सब था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।